हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ खस्ता और करारी डिजाइनर मठरी की रेसिपी। होली आने वाली है और होली पर हम मठरी ज़रूर बनाते हैं। तो मठरी बिल्कुल खस्ता और करारी कैसे बने, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मैं बिल्कुल अलग अलग डिजाइनर बनाकर बताऊँगी। तो आइए बनाते हैं। तो मठरी बनाने के लिए हम लेंगे 3 कटोरी आटा। आप कप की नाप से भी ले सकते हो और कटोरी की नाप से भी ले सकते हो। इसको हमने छान लिया है और गेहूं का आटा है 3 कटोरी। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा लेंगे हम 2 कटोरी और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी डालने से खस्ता और करारी बनती है, इसलिए हम इसमें 1/2 कटोरी सूजी डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर 1/3 चम्मच, काला नमक 1 छोटी चम्मच, ये अजवाइन इसमें से आधी डालेंगे हम, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा। इसको हम क्रश करके डालेंगे इस तरीके से, मसल कर हाथ से, फ्लेवर अच्छा आता है इससे। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मसल कर इस तरीके से पाउडर बना लिया इसका। और ये हमने सादा नमक लिया है, तो हम इसमें 2 चम्मच या टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है मठरियों में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इन सभी को इसमें आटे में। और उसके बाद हमें इसमें मोयन डालना होगा, तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही हम इसमें मोयन डालेंगे। मोयन में हम लेंगे घी, आप ऑयल भी डाल सकते हो। तो देखिए, ये मैंने लिया है 1/2 कप घी। पहले हम 1/2 कप डालेंगे, फिर यदि कम रहा तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे हम इसमें। तो ये 1/2 कप हमने डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। और मोयन को हमें मठरी बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स होना चाहिए आटे में। हम जितने अच्छे से इसको मसल मसल कर मिक्स करेंगे, उतनी अच्छी हमारी मठरियाँ बनकर तैयार होंगी, एकदम खस्ता और करारी। तो फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मठरियों को खस्ता और करारी बनाना है तो हमें बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स करना है। ये मैंने 1/2 कप और डाल दिया इसमें। तो मैंने इसमें लगभग 200 ग्राम मोयन डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से इतना मोयन होना चाहिए, बंद जाना चाहिए इस तरीके से हाथ में लेते हैं तो। ये हमने पानी लिया है 2 कटोरी। जिस कटोरी से मैंने आटा डाला उसी कटोरी से मैंने इसमें पानी डाला है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और हमें इसका सख्त आटा लगाकर तैयार करना है, क्योंकि मठरियों का आटा थोड़ा सख्त ही होता है, तभी ये अच्छी बनती है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसका आटा लगाकर तैयार करना है। थोड़ा लगाने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें सख्त डो लगाकर तैयार करना है इसका, पर हमें इसे अच्छे से गूंथना है और एकदम चिकना कर लेना है। तब तक हमें इसे कंटिन्यू गूंथते रहना है। तो देखिए, ये हमारा आटा लग चुका है और इसको लगाने के बाद हमें इसको रेस्ट पर रख देना है 15 मिनट के लिए ढककर, जिससे ये सेट हो जाए। और देखिए, ये पानी बचा, 1/2 कटोरी पानी बच गया है, मतलब इसमें 1.5 कटोरी पानी लगा आटा लगाने में। 15 मिनट बाद हम आटे को और मसल लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से अच्छे से, जिससे ये और चिकना हो जाए, स्मूथ हो जाए। उसके बाद हम इसे मठरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। और थोड़ा टाइट ही आटा लगाना होता है मठरियों का, इस तरीके का। तो अब हम मठरी बनाना शुरू करते हैं इससे। तो हम इस तरीके से जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके से लोई ले लेंगे। हमें थोड़ी बड़ी साइज की लेनी है इसमें, हमें इसे बड़ा बेलना होता है। तो देखिए, इस तरीके से या तो हम चकले पर या प्लेटफॉर्म पर इस तरीके थोड़ा सा चिकना करके इसको बेल लेंगे। हम किसी भी शेप में बेल सकते हैं, पर हमें इसे जितना बड़ा हो सके उतना बढ़ाना है। तो इस तरीके से कंटिन्यू बेलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इसी तरीके से हमें इसको बेलना होता है
ओवल शेप में बेल सकते हैं, सर्कल शेप में बेल सकते हैं। तो देखिए ये हमने बेल लिया है, अब हम इससे मठरियाँ कट करेंगे। ये मैंने लिया है मोल्ड, ये फ्लावर शेप में है। तो देखिए फ्लावर शेप की मठरियाँ बनकर तैयार होंगी, इसे मार्केट में आसानी से मिल जाती है ये मोल्ड कई शेप्स में। तो देखिए इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे और ये फ्लावर शेप में बनकर तैयार हो जाएंगी। और इस तरीके से भी हम हाथ से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकल जाएंगी। तो देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी तरीके से हम फ्लावर शेप की मठरियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरे तरीके से बता दिया है, ये हमारी फ्लावर शेप की मठरियाँ बनकर तैयार है। अब हम दूसरी शेप की मठरी बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर से हमने बेल लिया है और ये है हार्ट शेप की। तो इस तरीके से हार्ट शेप के इससे कट कर लेंगे हम मोल्ड से, बड़ी आसानी से कट हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रेस करना होता है। और इस तरीके से हम इसके ये जो बचा हुआ पार्ट है इससे फिर से मठरी बना लेंगे। तो ये हार्ट शेप की मठरियाँ भी बनकर तैयार है। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब हम बनाएंगे स्टार शेप की मठरियाँ। तो ये मैंने स्टार शेप का मोल्ड ले लिया है, इससे भी हम सेम तरीके से कट करेंगे। और इसमें कई साइजें आती हैं, तीन साइजें आती हैं, छोटी बड़ी और सबसे छोटी। तो उससे हम छोटी बड़ी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो देखिए ये हमने कट कर लिए, अब हम इसको हटा लेंगे। तो ये हमारी स्टार शेप की मठरियाँ भी बनकर तैयार है। अब हम एक शेप और बताएंगे इसमें मठरियों में। ये कभी कभी ढंग से कट नहीं होती तो ये चिपक जाती है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दबाना होता है। तो ये हमारी स्टार शेप की मठरियाँ बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे सर्कल शेप की मठरियाँ। तो ये तीन तरीके मोल्ड है, इस तरीके से हम रख देंगे और इनको प्रेस करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको मेरे और नए नए वीडियोस देखने हो तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं रेसिपी डालती रहती हूँ नई नई। तो देखिए होली पर मठरियों की गुजिया ये सभी रेसिपियाँ मैंने मेरे चैनल पर डाल रखी है, वहाँ पर देखकर आप बना सकते हो। डिजाइनर गुजिया की रेसिपी भी डाल रखी है और चाशनी एक दो तीन तार की वो भी डाल रखी है, तो आप वहाँ पर देखकर बना सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से और परफेक्ट तरीके से। तो ये सर्कल शेप की मठरियाँ भी हमारी बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम सभी मठरियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने सर्कल शेप की मठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस तरीके से बड़ी साइज की रोटी बेलेंगे सर्कल शेप में और उस पर मोल्ड जितने भी हैं हमारे पास उनको रख देंगे और एक साथ ही कट करेंगे। मेरे बेटे को बनानी थी, उसे बड़ा शौक है हेल्प करने का, तो मेरे हेल्प करता रहता है जिससे ये झटपट हो जाता है काम भी। तो देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे प्रेस करके। तो मैंने सभी मोल्डों को इस पर रख दिया है हमने। तो इस तरीके से कट कर लेंगे, फिर से मोल्ड को रखेंगे, फिर से कट कर लेंगे और इस तरीके से पहले इस पर निशान लगा लेंगे कट के, उसके बाद इसको हटा लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसको हटा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी डिजाइनर मठरियाँ बनकर तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे आधा घंटा रखने के बाद। तो ये मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पर और उसके बाद हम सभी मठरियों को इसमें डाल देंगे ऑयल में और फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम फ्राई करते वक्त हमें मीडियम रखना है, क्योंकि हाई रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है इनको सेकने में, पर हमें बिल्कुल अच्छे से सेकनी है गोल्डन होने तक। तो इसी तरीके से हम इनको सेक कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये सर्कल शेप की मठरियाँ बनकर तैयार हैं, कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अब हम हार्ट शेप की मठरियों को भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम जो भी शेप्स बनाइए उन सभी को सेक कर फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस होली पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, मठरियों की रेसिपी।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।